तो आज हम दोपहर बाद इन संकरी गलियों की चढ़ाई करते हुए पहुंचे सीक्रेट वाटरफॉल पर। ये वाटरफॉल ज़्यादा बड़ा तो नहीं था, पर नॉन सीक्रेट होने पर भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ थी और गंद भी उतना ही फैल रखा था। साथ में एक कैफ़े था, हाँ उसके आसपास इतना गंद फैल रखा था बहुत ज़्यादा। सीक्रेट वाटरफॉल के कुछ शॉर्ट्स लेने के बाद हम निकल दिए मेन वाटरफॉल की तरफ। बट नीर वाटरफॉल पर पहुंचना एक स्ट्रेट लाइन की तरह नहीं था। हम वहां पहुंचे, वहां पर टिकट थी 30 रुपये की। हमें पता चला कि ऑनलाइन नहीं होगी पेमेंट, तो उसके लिए हमें कैश चाहिए। हमारे पास कैश नहीं था, मतलब एट द मोमेंट होटल में थे पर उस मोमेंट पे नहीं थे। इसके बाद हम किसी शॉप पे गए और वहाँ पे उन्होंने एक्स्ट्रा चार्जेस लेके हमें कैश दिया। उसके बाद हम पहुँचे वापस टिकट बुक करवाने। हम वहाँ रुके ही थे कि मेरे को रियलाइज़ हुआ कि जो रिज़र्व की होती है वो बाइक में नहीं है। जब भी मैं बाइक को लॉक करता हूँ, मेरी आदत होती है कि मैं निकाल देता हूँ रिज़र्व की को। तो वहाँ शॉप पे रुके थे, मेरे को उस समय यह याद नहीं था कि मैंने निकाली थी या नहीं निकाली थी। तो हम वापस गए क्योंकि रिज़र्व की के बिना पेट्रोल चालू नहीं होगा। मैंने इसीलिए लगवा रखी है ताकि पेट्रोल वगैरह की चोरी ना हो, अगर जैसे भारी टंकी रखी हो। तो वापस गए हम उसी शॉप के एरिया के पास। और पता नहीं थैंक गॉड वो की वहीं की वहीं एग्जैक्टली गिरी हुई मिली, थैंक गॉड। उसके बाद हम वापस गए और टिकट बुक कराई, एंड देन फाइनली हम पहुंचे नीर वाटरफॉल। नीर वाटरफॉल पर पहुंचना भी इतना आसान नहीं था। उसके लिए हमें बाइक बहुत नीचे पार्क करनी पड़ी क्योंकि नीर वाटरफॉल बहुत ज़्यादा हाइट पर था, मतलब हमारे व्यू पॉइंट से, क्योंकि हम इतनी ज़्यादा कभी चढ़ाई की नहीं है। तो नीर वाटरफॉल बहुत ज़्यादा हाइट पर था, उसके मतलब मेन जो वाटरफॉल सबसे ऊँचे ऊपर था उसके पहले 8 या 7 पॉइंट थे जहाँ पर ऐसे स्टॉप्स थे जहाँ पर पानी इकट्ठा होता है और वहाँ पर लोग नहा सकते हैं। ऐसे सारे हर स्टॉप पे इतनी ज़्यादा भीड़ थी, हमें सिर्फ टॉप पर पहुंचना था। हम टॉप वाले पे पहुंचकर ही हमने नहाए।
इतनी ऊपर चढ़ के आ चुका हूँ मैं। बंटी देखो वहाँ इसके पीछे, उसके पीछे वो भाई नीरगढ़ बॉर्डर पर भीड़ भी इतनी ज़्यादा और चढ़ना भी इतना पड़ रहा है। जब का मना कर रहा है क्या ना ले उस वाले बना ले इस चीज ने, ये नंबर पता नहीं सातवां ऊपर से सातवां नीचे से। चढ़ते वक्त तो ऐसी तेजी हो रही थी पसीनों में हम, और इतनी ठंड लग रहा, इतना ठंडा पानी था, और अब उतरते वक्त तो ऐसी तेजी हो रही है, मतलब वैसे भाग रहे हैं हम बिना किसी प्रेशर के, ऐसे भागे जा रहे हैं, थोड़ा सा पैर ऐसे फिसल गया ना ऐसी तेजी। देखो
ले भाई बना दे भाई। सोनीपत हरियाणा। सोनीपत हरियाणा रोहतक भाई। अच्छा तो यूट्यूब पे चैनल है ब्रदर। हाँ भाई तो नाम है सुनारिया चौक पे। जुमा लवे है अरे जुमा लवे चलो बढ़िया सुन ले तो सुन मेरे बात कुड़िए 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 रह जा तो रह जा मेरे साथ कुड़िए 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 दिल में बसा लिए बात कुड़िए 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 आँख में छोड़ी ना ना सोनिया सोनिया सुन ले तो सुन मेरी बात सोनिया 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 रह जा तो रह जा मेरे साथ सोनिया सोनिया क्या? अभी तो बोट है भाई 7 क्वार्टर फुल आएंगे। ऊपर क्या है अभी सबसे ऊपर है सबसे ऊपर अच्छा है 8वां नंबर का है ऊपर से गिनते ये तो 8वां नंबर का अभी तो 7 हो रहे हैं 8वां नंबर का 7 हो रहे हैं हां शेट भाई नहीं दे वे हम नहीं पर नीचे आते वक्त मजा आ जाएगा ऊपर जाके मजा लोग सही में भीड़ मिलेगी पर मजा इतनी भीड़ नहीं है इतनी भीड़ दिख रही है ना इससे ज्यादा सारे ज्यादा जाके देख जितनी भीड़ यहां पे दिख रही है ना उससे ज्यादा पानी में यहां पे रुके थे नीरगढ़ वाटरफॉल के आए बात है आंटियाँ भी आंटी फोटो खिंचवा रही थी खींच रहा आंटी कलर आंटी की फोटो खींच रहे हैं फोटो खींच रहे हैं फोटोग्राफर हमारी सुन ले तो सुन मेरी बात सोनिया